हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ड्रीम्स मैं हूँ हूँ आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड हियर वी आर स्टडिंग क्लास एट की गुलमोहर बुक एंड यस यू कैन सी दैट ऑल योर फेवरेट टीचर्स आर हियर जो आपको क्लास सिक्स जो भी सिक्स क्लास से एट क्लास तक में हैं वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये टीचर्स डील करते हैं एंड वी आर हेयर एट मैग्नेट ड्रीम्स ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करें दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इन द बेस्ट पॉसिबल वे अब आपका बस काम क्या है कि आपको जो है बहुत अच्छे से इन वीडियोस को देखना है पढ़ना है कोई डाउट हो तो पूछ लेना है बिकॉज यू नो एज वी से हम होंगे कामयाब इफ़ वी आर लाइक वर्किंग टुगेदर वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल नाउ ऑन दिस पॉजिटिव नोट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सिक्स यूनिट यूनिट में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं समरी के साथ समरी के बाद वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स ठीक है सो लेट्स स्टार्ट फेदर्ड फ्रेंड आर्थर क्लॉक इज साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ स्मॉल कैनरी एंड हाउ हर एग्जिस्टेंस ऑन द स्पेस स्टेशन हेल्प सेव लाइफ सो ये जो फेदर्ड फ्रेंड ये जो चैप्टर है रिटर्न बाई आधा क्लाक ये एक साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है अबाउट अ स्मॉल कैनरी बर्ड एक छोटी सी कैनरी बर्ड के बारे में एंड किस तरीके से उसका एग्जिस्टेंस ये जो स्पेस स्टेशन में उसका जो एग्जिस्टेंस था उसकी वजह से उसने बहुत सारे लोगों की लाइफ सेव करी

fellow. So, which got him a bonus for being under 150 pounds, unlike his counterpart Swin. So, unlike his counterpart. So, यहाँ पे वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि Swin जो है एक बहुत अच्छा construction worker था space station में और वो एक very little fellow था मतलब वो एक lightweight, tiny और जो है बहुत ही ज़्यादा strong fellow था वो जिसकी वजह से जो है वो स्पेस में क्योंकि स्पेस में आप बहुत ज़्यादा हैवी लोगों को लेके नहीं जा सकते स्पेस में आपको जो है बहुत लाइट वेटेड लोगों को ही लेके आप जा सकते हो स्वेन वो स्मार्ट टू हैव क्लैरिबल एज अ पेट बिकॉज इट्स टुक क्लोज टू नथिंग टू सपोर्ट हर अब यहां पे क्या लिखा है कि स्वेन जो था वो बहुत इंटेलिजेंट था कि वो क्लैरिबिल को उसने एक पेट रखा था एक कैनरी बर्ड को एज अ पेट रखा था क्यों क्योंकि कैनरी बर्ड को ना स्पेस चाहिए था ज्यादा ना उसे फूड चाहिए था और ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई इश्यू भी नहीं था द नरेटिव वोकअप डे एंड विदेक एंड वॉज स्लो टू डू मॉर्निंग एक्टिविटीज तो एक दिन नरेटा जब सुबह उठा तो उसका उसको हेडेक हो रहा था और उसकी मॉर्निंग एक्टिविटीज सारी स्लगेश वे में हो रही थी मतलब बहुत स्लो था वो उस दिन अलर्ट नहीं था एक्टिव नहीं था स्वेन वॉज मिसिंग फ्रॉम ब्रेकफस्ट बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर क्लैरिबल अब स्वेन जो है ब्रेकफस्ट के टाइम पे ही वॉज नॉट देयर क्यों क्योंकि ही वॉज लुकिंग फॉर क्लैरिबल Claribel was found in a stunned state, and Jock Duncan could not hear the heartbeat. अब Claribel जो है जब मिली वो finally तो वो एक stunned state में ऐसा लग रहा था unconscious state में मिली और जो जॉक डेंकन जो उनका कुक भी था डाइटिशियन भी था और डॉक्टर भी था ही वॉज नॉट एबल टू हेयर अ हार्ट बीट सम वन सेट टू गिव हर अक्सीजन शॉर्ट फ्रॉम ऑक्सीजन मास्क विच सर्व एज एन ऑक्सीजन टेंट फॉर क्लैरिबल किसी ने कहा है इसको ऑक्सीजन शॉट देना चाहिए उस ऑक्सीजन मास्क से जो कि एकदम उसके लिए एक टेंट की तरह हो गया था बिकॉज शी वॉज एब्सोल्यूटली स्मॉल दी ऑक्सीजन रिवाइव क्लैरिबल एंड शी कॉल्ड एवरी वन टू ब्रेक पर्सन पासड आउट अगेन सो ऑक्सीजन से वो वापस कॉन्शियस हो गई एंड उसने अपनी चोरपी चोरपी आवाज में सबको जैसे वो सुबह उठाती थी वैसे उठाया लेकिन उसके बाद अगेन वो अनकॉन्शियस हो गई द नरेटर नोटिस दैट क्लैरिबिल वॉज पासिंग आउट बिकॉज ऑफ द एयर बींग बैड एंड एयर प्योरीफायर हैड फ्रोजन एंड द सिंगल फाइव हंड्रेड थाउजेंड डॉलर अलार्म फेल टू गो ऑफ नरेटर ने रियलाइज़ किया कि जरूर एयर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्लैरिबिल जो है वो पास आउट हो रही है फिर उन लोगों ने जब उस चीज़ को एनालाइज किया तब उन्हें पता चला कि उनका जो अलार्म था विच वॉज़ वर्थ हाफ अ मिलियन पाउंडस वो जो था वो फ्रोज हो गया था जिसकी वजह से इट वॉज नॉट वर्किंग एंड उसने मतलब जो एयर प्योरीफायर का जो अलार्म था वो फेल हो गया क्लैरिबल हैड सेव्ड एवरी वन लाइफ और इस तरीके से क्लैरिबल ने सबकी लाइफ बचाई क्योंकि अगर वो अनकॉन्शियस नहीं होती तो उनको ये रीज़न समझ नहीं आता और एयर जो है मतलब एयर की जो क्वालिटी जो खराब हो रही थी उसकी वजह से एवरीबडी वुड हैव लॉस देयर लाइफ्स ओके नाउ दिस वॉज द समरी ऑफ दिस चैप्टर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स वॉट वर द टू थिंगस दैट मेड स्वेन्स कंस्ट्रक्शन जॉब मोर डिफिकल्ट अब देर वर टू थिंगस जिसकी वजह से स्वेन्स का कंस्ट्रक्शन जॉब जो था बहुत मुश्किल था डेक्सट से वेदर द हार्ड वर्क वॉज वर्थ द ट्रबल अब यहाँ पे है क्या इस टेक्स्ट में यह भी बताया है कि जो हार्ड वर्क था वॉज इट वर्थ द ट्रबल तो द टू थिंग्स दैट मेड स्वेंस कंस्ट्रक्शन जॉब डिफिकल्ट पहला क्या था उसकी जॉब में डिफिकल्टी देर इन स्पेस अवे फ्राम अर्थ ग्रेविटी सो ऑब्जेक्ट्स व फ्लोटिंग पहली चीज़ तो ये कि वो लोग जो थे स्पेस में थे मतलब जहाँ पर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती देर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वजह से हर कुछ जो है फ्लोट कर रहा है मतलब सब कुछ हवा में तैर रहा होता है स्पेस सूट वॉज नॉट कम्फर्टेबल फॉर डूंग दूसरा जो था वो था उसके क्लोथ उसने जो स्पेस सूट पहना हुआ था इट वॉज नॉट एट ऑल कम्फर्टेबल टू यू नो वर्क मतलब ऐसे काम करने के लिए जहां पे उसको यू you नो know, कोई चीज को पुल करना है या पुश करना है और हाथ ऊपर नीचे करना है तो दैट स्पेस सूट वॉज नॉट कम्फर्टेबल सो दीज व टू प्रॉब्लम्स अब है विच लाइन्स इन पैरा फोर एंड पैरा सिक्स Tells us that Cladibel had adjusted well to space. अब वो कौन सी lines में पैदा four और पैदा six में जो हमें ये बताती है कि Cladibel जो थी उस space station में बहुत comfortably adjust हो चुकी थी. So the lines are she was not worried as most animals would have been by the absence of gravity. So पहली क्या हो गया कि वो बिल्कुल भी worried नहीं थी जैसे कि बाकी animals होते because of the absence of gravity. दूसरा इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस दैट शी हैड ऑलरेडी लर्न हाउ टू ऑपरेट इन द एबसेंस ऑफ ग्रेविटी इट वॉज क्वाइट ऑब्वियस ये भी बहुत ऑब्वियस था द वे शी वॉज यू नो फ्लाइंग हेयर एंड देयर कि उसने अपने आप को ये जो नो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला जो सिचुएशन था उसमें बहुत ईजिली अडाप्ट कर लिया था सो दीज आर द टू लाइन्स जो कि बताती हैं कि शी हैड एडजस्टेड हर सेल्फ वेल इन वेल टू स्पेस

सो so, जो उसने स्वेन ने एक लाइन बोली थी दैट आई हैड अ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी मुझे ये देखना था कि एक बर्ड जो है किस तरीके से यू नो रिस्पॉन्ड करेगी जब उसका कोई वेट नहीं रहेगा बिकॉज विदाउट ग्रेविटी आपका कोई वेट नहीं रहता है तो वेट नहीं रहेगा बट एट द सेम टाइम इट कैन यूज़ इट्स विंग्स तो उसकी इस क्यूरियोसिटी के लिए वो क्लैरिबल को जो है स्पेस स्टेशन में लेके आया था दिस कन्फर्म्स दैट इट वॉज द फर्स्ट बर्ड टू बी ऑन अ स्पेस स्टेशन नेक्स्ट इज वाई डिड स्वेन नॉट गेट इन टू एनी ट्रबल फॉर स्नीकिंग अ बर्ड ऑन बोर्ड द स्पेस स्टेशन मतलब स्वेन को कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं हुई वो एक बर्ड को स्मगल करके लेके आया स्पेस स्टेशन में लेकिन वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ा क्यों एज अ स्पेस स्टेशन हैज़ मोर हाइडिंग प्लेसेज देन यू कैन काउंट ऑन सो इट वॉज नॉट सो मच ऑफ अ ट्रबल इन स्निकिंग द बर्ड इन अ स्पेस स्टेशन क्योंकि स्पेस स्टेशन में जो होती है ना देर आर सो मेनी प्लेसेज जहाँ पे आप एक बर्ड को छुपा सकते हो चाहे फिर वो जो है आपको वेंट में रखना हो या फिर आप स्टोरेज स्पेस में रख दो तो द थिंग इज दैट देर आर अ लॉट ऑफ हाइडिंग प्लेसेस फॉर अ बर्ड टू बी हिडन इन अ स्पेस स्टेशन इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अब है शियर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी वॉज पार्ट ऑफ द रीजन वाई स्वेन गॉट क्लैरिबल ऑन टू द स्पेस स्टेशन बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ लाइफ ऑन स्पेस स्टेशन कैन यू गेस वॉट द अदर रीजन वॉज तो अब वो क्या कहता है कि मेरा रीजन वाई डिड आई गेट क्लैरिबल हियर उसका रीजन है साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आपके हिसाब से जितना आपको स्पेस स्टेशन के नॉलेज है आपके हिसाब से और क्या रीजन हो सकता है सो so, यहाँ पे दिस आंसर इज लाइक टोटली यू कैन राइट योर आंसर इंडिविजुअली आपके हिसाब से यू नो वट कैन बी दी अदर रीजन द अदर रीजन कैन बी डेट यू नो स्पेस में एवरी थिंग इज लाइक मोनाटोनस हर दिन एक जैसा रहता है मे बी यू जस्ट वॉन्टेड सम पेट और पेट क्या होते हैं दे ब्रिंग कलर्स टू योर लाइफ तो मे बी ही वॉन्टेड टू हैव अ फ्रेंड और ही वॉन्टेड टू हैव अ कंपेनियन इसीलिए उसने ऐसा किया सो वट इज़ योर आंसर यू कैन राइट ओके उस में के साथ problem क्या हुई थी? थी, वो 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 जो थी, क्योंकि वो जो क्योंकि था, it was not working, वो फ्रीज हो गया था तो उसकी वजह से जो स्पेस स्टेशन में जो एयर थी वो फाउल हो गई थी मतलब खराब हो गई थी और पॉइजनस हो गई थी नेक्स्ट इज हाउ डिड क्लैरिबल्स अनकॉन्शियस स्टेट हेल्प द स्पीकर अंडरस्टैंड वॉट द प्रॉब्लम वॉज अब क्लैरिबल जो अनकॉन्शियस हो रही थी उससे स्पीकर को कैसे समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या थी क्लैरिबल्स अनकॉन्शियस स्टेट हेल्प एंड इवन यू नो आफ्टर रिसीविंग ऑक्सीजन शी पासड आउट अगेन As even after, मतलब क्लैरिबल की जो अनकॉन्शियस स्टेट थी उसने हेल्प किया एज इवन आफ्टर क्योंकि ऑक्सीजन मतलब, मिला उसके बाद वो फिर से पास आउट हो गई सो द स्पीकर डाउटेड द क्वालिटी ऑफ द एयर अब सो स्पीकर को लगा कि मे भी जो एयर की क्वालिटी है क्योंकि द मोमेंट शी स्टार्ट ब्रीदिंग वो अनकॉन्शियस हो रही है इसका मतलब एयर की क्वालिटी कैन बी अ प्रॉब्लम अदर दें क्लैरिबल कंडीशन व्हाट वर द्लूज द स्पीकर पुट टूगेदर टू सोल्व द मिस्ट्री अब क्लैरिबल की कंडीशन के अलावा व्हाट वर द अदर क्ल्यू स्पीकर को और भी कुछ क्ल्यूज मिले थे जिसकी वजह से यू नो उसने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया था द अदर क्ल्यूज वैट द स्पीकर फाउंड इट डिफिकल्ट टू वेकअप इन द मॉर्निंग अदर क्लूज व कि उसको मॉर्निंग में जब वेन ही वोकअप ही फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट एज ही हैड अ हेडिक उसको जो है एक हैडेक हो रहा था इट वॉज अनयली क्वाइट ड्यूरिंग ब्रेकफस्ट टाइम एंड स्वेन वॉज मिसिंग मतलब अब उस दिन जो है अनयूजअली सब लोग काफी चुप थे ऐसा लग रहा था कि एवरीबडी वॉज फीलिंग द सेम एंड स्वेन वॉज ऑल्सो नॉट देयर द स्पीकर फेल देर वॉज समथिंग रॉन्ग इन द एयर बिकॉज ऑफ विच क्लैरिबिल पास एंड री कॉल्ड माइनस यूज टू कैरी कैनरी डाउन विद टू ऑफ क्वालिटी ऑफ गैस वेदर इट वॉज टॉक्सिक और नॉट सो so, यहाँ पे क्या हुआ उसको और एक चीज़ याद आई कि क्लैरिबल जो है मतलब बिकॉज ऑफ एयर क्वालिटी जो है क्लैरिबल जो है वो पास आउट हो गई होगी उसका रीज़न क्या है उसको याद आया कि जो माइनर्स होते थे जो लोग माइनिंग करते थे वो लोग अपने साथ क्लैरिबल को लेके जाते थे नीचे ये देखने के लिए कि नीचे जो एयर है वो टॉक्सिक या पॉइजनस तो नहीं है क्योंकि अगर होता था तो क्लैरिबल इतनी सेंसिटिव होती है दैट वो पास आउट हो जाती है सो दम इफ़ इट्स लाइक इफ इट आउट देन इसका मतलब है कि वहां पे जो एयर है वो बिल्कुल फाउल है एंड नाउ इट वॉज वन ऑफ दोज स्पीकर रेफरिंग टू वॉज दू सेव एवरी वन फ्रॉम द एक्सीडेंट अब वहां पे जब उसने कहा 23 में कि ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जो कभी हो नहीं सकता था वो किस एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहा था डू टू अर्थ शेडो पार्ट ऑफ द एयर प्योरीफायर हैट यू नो अर्थ शेडो पार्ट ऑफ द एयर प्योरीफायर हैट फ्रोजन अप यहाँ पर हम डालेंगे एक कॉमा यहाँ पे कॉमा आ जाएगा सो ड्यू टू अर्थ शेडो अर्थ जब एक्लिप्स आया जब ग्रहण आया तो उसकी वजह से क्या हुआ अर्थ की शेडो की वजह से एयर प्योरीफायर का एक पार्ट जो था वो फ्रीज हो गया क्योंकि जब ग्रहण आया तब

किसने सबको सेव किया क्लैरिबल द कैनरी सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द एक्सीडेंट किसने सबको सेव किया क्लैरिबिल द कैनरी बर्ड सेव्ड एवरीवन फ्रॉम द एक्सीडेंट अब है यहां पे अ टेक्स्ट इन सेट इज द टेक्स इज सेट इन अ स्पेस स्टेशन तो ये जो पूरा हमारा जो चैप्टर है स्टोरी है ये एक स्पेस स्टेशन में बेस्ड है द नेचुरल लॉज दैट गवर्न आउट ऑफ स्पेस आर वेरी डिफरेंट फ्राम दोज ऑन अर्थ लाइफ इन स्पेस कैन लिटरली बी अपड डाउन अब ऑब्वियसली हमें पता है कि स्पेस में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता और अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो जो नेचुरल लॉज है वो बहुत डिफरेंट होते हैं दोनों जगह

जो राइटर है वो लाइफ इन स्पेस के बारे में दो चीज़ें बता रहा है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम लाइफ ऑन अर्थ तो ये है द टू फीचर्स ऑफ लाइफ इन स्पेस विच आर डिफरेंट फ्रॉम अर्थ आर ऑक्सीजन एंड सनलाइट. तो वो दो कौन से फीचर्स हैं एक है ऑक्सीजन और दूसरा है सनलाइट. नेक्स्ट इज वॉट इंसिडेंट डज द राइटर यूज टू टर्न द वैल्यू ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजी अपसाइड डाउन वो कौन से इंसिडेंट के बारे में बता रहा है जिससे पूरा जो वैल्यू ऑफ मनी और टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी उलट पुलट हो जाती है द एक्सीडेंट डेट अकर्ड ड्यू टू विश द एयर प्योरीफायर अलार्म वेंट ऑफ प्रूव्ड टू द स्पीकर दैट मनी एंड टेक्नोलॉजी कैन गो अपसाइड डाउन तो ये जो एक्सीडेंट जो हुआ था जिसमें क्या हुआ एयर प्योरीफायर पूरा फ्रोज हो गया फ्रीज़ हो गया और अलार्म जो था वो नहीं बजा ये प्रूव करता है कि मनी और टेक्नोलॉजी जो है वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं एज मैं एज अब मैंशनड इंस्ट्रूमेंट्स वर्थ हाफ अ मिलियन डॉलर्स क्योंकि ये जो अलार्म था और ये जो एयर प्योरीफा था ये हाफ अ मिलियन डॉलर्स के जितना वर्थ था लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ उसके बाद भी वो जो है इट वेंट ऑफ और उसके बाद फाइनली इनको किसने सेव किया इनको कैनरी बोर्ड ने सेव किया राइट सो लेट्स मूव टू द्वेश्चन स्ट्रॉन्ग एंड वैल्यूएबल इन स्पेस सो हमें दो एग्जाम्पल्स अब किस चीज़ के देखने की अर्थ में जिन चीजों को वीक माना जाता है वही स्पेस में स्ट्रोंग होता है तो जो दो एग्जाम्पल्स हैं जो स्पीकर ने हमें दिए हैं वो क्या है

जो वो काम कर रहा था जो ये पूरी जो एल्यूमिनियम जो आ, शीट्स होती हैं उनको प्लेस करना सही तरीके से और ये जितने भी मेटल पाइप्स होते हैं उनको आ, स्पेस में ठीक से आ, मतलब प्लेस करना ना अगर उसको सेम काम जो है अर्थ में करना पड़ता तो ही वुड नॉट हैव बीन चोजन क्योंकि उसके लिए कोई एकदम परफेक्ट बिल्ट वाले को चाहिए पड़ता लेकिन स्पेस में ही वॉज परफेक्ट टू डू दैट जॉब एंड ही इवन डिड हिज जॉब एक्सेलेंटली ओके नेक्स्ट इज व्हेन क्लैरिबेल पासड आउट इवन आफ्टर गिविंग अ डोज ऑफ ऑक्सीजन एंड लेटर व्हेन इट वाज फाउंड दैट द इंस्ट्रूमेंट्स फेल्ड जब क्लैरिबेल को जैसे ऑक्सीजन दिया गया तो वो पास आउट उसके बाद भी वो पास आउट हो गई एंड व्हेन बाद में जब पता चला कि इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए इससे क्या प्रूव होता है प्रूफ दैट अ बर्ड माइट बी कंसिडर्ड वीक ऑन अर्थ इससे ये प्रूव होता है कि एक बर्ड जो है उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती अर्थ पे बट इन मतलब इन कंपेरिजन टू टेक्नोलॉजी अगर आप टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी से कंपेयर करो तो बर्ड की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती अर्थ पे हाउ एवर इट वॉज नॉट सो इन स्पेस लेकिन स्पेस में इट वॉज एब्सोल्यूटली ऑपोजिट जो वहाँ पे क्या था कि टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट लेकिन वहाँ फाइनली कौन ज़्यादा वैल्यूएबल प्रूव हुआ बर्ड ओके okay?

सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल स्ट्रेंथ दे आर स्पीकिंग ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी टू मेक अप्रोप्रियट डिसीजंस वेन रिक्वायर्ड यहाँ पे वो सिर्फ स्थे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे वो मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं एंड द एबिलिटी टू मेक और टेक अप्रोप्रिएट डिसीजंस वेन रिक्वायर्ड और दूसरी चीज़ है कि नहीं समथिंग वैल्यूएबल में नॉट बी ऑब्वियस ऑलवेज वन नीड्स टू रिकोगनाइज इट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स एज इट यूजअली सर्फेसिज दैट टाइम जो वैल्यूएबल चीज़ें होती है वो हमेशा ऑब्वियस नहीं होती लेकिन डिफिकल्ट टाइम्स में ही वो सरफेस पे आती है मतलब उनकी हमें वैल्यू पता चलती है तो हमें उनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना पड़ता है सो दैट इज इट हियर वी आर डर्न विद ऑल द क्वेश्चन आंसर्स लेकिन अभी हमारे पास ग्रामर पार्ट वो कैबलेट एंड राइटिंग पार्ट बचा है विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन द

आपको क्लास पे क्लिक करना है फिर आपके पास सब्जेक्ट सपेयर हो जाएंगे सब्जेक्ट पे क्लिक करना है फिर चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो वाली वीडियो को क्लिक करना है एंड दैट इज इट दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बींग विथ मी डो नॉट फर्गेटेटेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय